आइए उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, देखिए यहाँ पर चार प्रॉब्लम दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सम निकालने को बोला गया है। तो जब हम सम निकालेंगे तो वन बाय वन कैसे प्रॉब्लम को लेके चलेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए नंबर क्या क्या है। देखिए 137 आपको दिया गया और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस ऑफ 354 दिया है। इनका सम लिखेंगे क्या नंबर आने वाला है, देखिए 137, ठीक है, इसका सम करिए, प्लस लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करेंगे ना, माइनस ऑफ 354 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमें, देखिए दोस्तों जो 354 है वो एज इट इज हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, जो सम की बात हुई थी वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, क्या बनेगा, ये 137 ऐसे बन जाएगा, और ये देखिए ये वाला जो प्लस और माइनस है ये मिलके क्या बनाएगा, ये यहाँ माइनस बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 354 ऐसे आ जाएगा। अब क्या है, 354 बड़ा है 137 से, तो क्या होगा, एक तो माइनस साइन आएगा, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, और अगर माइनस करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 217, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है, हमें जो सम करना है उसको देखना है कि उसकी जो साइन है वो क्या है, और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस यहां पर हमें करना है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, माइनस ऑफ 52 बोला गया आपको, ठीक है, इसको सम करना है, ऐड करना है किसके साथ, 52 के साथ, ठीक है जी। अब ये देखिए ये वाला जो 52 है ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या लिखा जाएगा, ये 52 ऐसे ही आएगा, ये 52 ऐसे आएगा, सेम नंबर है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। सो अगर दोनों नंबर सेम होते हैं और आपस में साइन इनके अलग अलग होते हैं तो रिजल्टेंट में हमें जीरो मिलता है, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसका सम करना है आपको, कैसे करेंगे, नंबर लिख लीजिए इनके साइन के साथ, 312 प्लस ऑफ 39 प्लस ऑफ 192, ठीक है जी। अब देखिए नेगेटिव साइन किसका है, इसका है, सबसे पहले जो नेगेटिव है उनको अलग करेंगे, जो पॉजिटिव है उनको अलग करेंगे, ये क्या मिलेगा आपको, 39 प्लस 192 क्या मिलने वाला है, 39 प्लस 192 करेंगे आपको 231 मिलेगा आपको पॉजिटिव का, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, दोनों देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मिलेगा, और ये क्या होगा, ये माइनस का 312 होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और देखिए बड़ा क्या है यहाँ पर, बड़ा है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा रिजल्टेंट में, 312 को माइनस 312 को ऐड कर दिया 231 के साथ, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलने वाला है 81, ठीक है। माइनस साइन इसलिए था क्योंकि ये 312 बड़ा है, इसका साइन यहाँ पर यूज होगा। इस तरीके सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या है, देखिए इनके साइन के साथ इनको लिखिए माइनस ऑफ 50 प्लस ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट डाल दीजिए, काफी आसानी होती है नेगेटिव साइन के साथ ब्रैकेट लगाने में, इजी हो जाता है समझना। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं, ये वाला सिंपल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरह ही आएगा नीचे, ठीक है। अब ये वाले केस में देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, ये बनने वाला है नेगेटिव ऑफ 200, ठीक है, और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव ऑफ 300। अब नेगेटिव वाले जो है उनको एक साथ करते हैं, ये क्या बनेगा, ये देखिए नेगेटिव 50 नेगेटिव 200 नेगेटिव ऑफ 250, ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे 300 के साथ। अब देखिए बड़ा क्या है, बड़ा है यहाँ पर 300, इसका साइन जो है पॉजिटिव, ये यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, पॉजिटिव ऑफ 50 और बोले 50, यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दीजिए, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास साइन बनता है और क्या सिंप्लीफाई होने के बाद स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।